तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिदम, जहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम का वर्किंग अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हमने लिया है यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स जो हमारे काम मालूम है हमको क्यों ली है। उसके बाद में हमने एक जी का टू डायमेंशनल एरे लिया है और ट्री का वन डायमेंशनल एरे लिया है और एन लिया है नोड स्टोर करने के लिए। और जी का टू डायमेंशनल एरे हमने ग्राफ स्टोर करने के लिए लिया है, जहाँ पे हम मैट्रिक्स की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं हमारे ग्राफ की, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्लास तैयार किया, उसके अंदर हमने डायरेक्टली वॉइड गेट वॉइड डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन कर दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे नोड एंटर द नंबर ऑफ नोड, अगर चार नोड डालिए, पांच नोड डालिए। उसके बाद में वर्टाइसेस नोड्स डालिए। उसके बाद में एंटर द ग्राफ, मतलब यानी कि अपना जो मैट्रिक्स है वो डालिए। अभी मैट्रिक्स देखिए ये कौन सा रहता है, जो एक तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ होगा या फिर आपको तैयार करना होगा, वो कैसे डालते हैं और उसकी वैल्यू कैसी आती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आगे। उसके बाद में डिस्प्ले फंक्शन में सिर्फ हमने सीधा डिस्प्ले कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है वहाँ पे। और आते हैं हमारे मेन लॉजिक पे, जो है हमारा प्रिम्स एल्गोरिदम का लॉजिक, मेन लॉजिक यहाँ पे है। थोड़ा इधर साइड में कर लेता हूँ, इसे पूरा दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमने लिया है इन टोटल, यानी कि टोटल जो हमारा टोटल्स कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री वो यहाँ पे स्टोर होगा टोटल में। और V1 V2 में हमारे विजिटेड नोड स्टोर होंगे। और यहाँ पे हमने एक लूप शुरू किया है, जहाँ पे ट्री में कुछ जीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम सारे एलिमेंट को ट्री के, मतलब यानी कि यहाँ पे अपने वाले ना जो नोड विजिटेड रहेंगे ना वो नोड हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने सी आउट में V1 V2 में मिनिमम ऐसा हमने टेबुलर फॉर्मेट के लिए हमने ऐसा डाल के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आगे, यहाँ पे फॉर लूप चलाया है हमने, और मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 30,000, ये हम कुछ भी ले सकते हैं वैसे, कुछ ये नहीं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस अमंग द एजेस ये हमें मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू दे देनी होती है। तो हमने यहाँ पे 30,000, या आप 3,000 भी दे सकते हैं, 999, 1,000 कुछ भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इतनी भी कम ना दो कि आपकी मतलब वैल्यू 2, 4, 5 ऐसी ना दो, मतलब हजार 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 के ऊपर ही दो, ठीक है। उसके बाद में फॉर मैं मतलब अभी अपना लूप चलेगा जो हमारे एरे के हर एक एलिमेंट में जाएगा, ठीक है। यह लूप हमारा हमेशा रहता है जब जब हम मैट्रिक्स पे काम करते हैं तब तब, ठीक है। उसके बाद में इफ कंडीशन में अभी आते हैं हम, इफ कंडीशन में जी ऑफ आई जे, यानी कि जी ऑफ आई जे में जो वैल्यू होगी और एंड, यानी एंड वो वैल्यू एंड ट्री की वैल्यू, ट्री ऑफ आई की वैल्यू एंड नॉट ऑफ जे की वैल्यू, ट्री ऑफ जे की वैल्यू, यानी कि तो अगली पिछली वैल्यू रहती है ट्री की और हमारे जी ऑफ आई जे की वैल्यू, ये अगर सेम रही, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू अगर यहाँ पे ट्रू आता है, यहाँ पे वन आता है और यहाँ पे ज़ीरो आता है, मतलब यहाँ पे ट्रू आता है, ये भी ट्रू होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम ईव कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और सिंबल लगा हुआ है, ये और ये दोनों में से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन प्रिम्स एल्गोरिदम में जो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना होता है हमारे इसमें का, मतलब हमारे एलिमेंट हमें चूज करने होते हैं ना अलग अलग ठीक के, उसके लिए स्मॉलेस्ट के लिए ये वाला है, ठीक है।
यहाँ पे सेम एज यहाँ पे हमने लिया है नॉट ऑफ ट्री ऑफ आई एंड 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 ट्री ऑफ जे, अगर ये हुआ तो ये आएगा, ठीक है। ट्री ऑफ आई में हम हमने यहाँ पे 0 एंड 1 वैल्यू दे दिया है, अगर 1 रहा तो ट्रू होगा। एंड का क्या है, एक तो 1 1 रहे तो ट्रू होगा, एक तो 1 0 रहा तो भी फॉल्स होगा, 0 0 रहा तो भी फॉल्स होगा, या फिर 0 1 रहा तो भी फॉल्स होगा। सिर्फ 1 1 के लिए ये ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये था एंड की कंडीशन यहाँ पे इफ के लिए। उसके बाद में आता है अपन जी ऑफ आई मिड डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस से छोटा है या नहीं है जी ऑफ आई, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके बाद में मिनिमम डिस्टेंस हम अपडेट कर दे रहे हैं, जी ऑफ आई की वैल्यू उस पर डाल दे रहे हैं। और हम जो हमारा नोट विजिटेड है, अभी देखिए ये जी ऑफ आई जे ये वाला नोट विजिटेड है ना, तो फिर ये नोट की वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे। ये नोट की वैल्यू देने के बाद में सीधा हम इनको हम मतलब ये भी हमारा लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड नहीं होता है तब तक, ठीक है। जब तक हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड नहीं होता है तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। और जैसे ही हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड होता है सभी एलिमेंट्स का, तो हम यहाँ पे हमारा हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और सी आउट में हमारा फर्स्ट विजिटेड नोड, सेकेंड विजिटेड नोड एंड मिनिमम डिस्टेंस प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे ट्री और फिर से हम मतलब अभी देखिए फर्स्ट इटरेशन पे हमारा ये आया यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट इटरेशन पे हमें हमें एक एक ट्री का विजिटर मतलब मिनिमम डिस्टेंस मिल गया एक नोड का, मतलब दो नोड के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस हमें मिल गया। तो उसके बाद में हमारा लूप के बाहर आ जाएंगे, फिर से हम ये वो वैल्यू प्रिंट कर देंगे, फिर से ट्री की वैल्यू V1 V2 1 1 1 कर देंगे, फिर से अपना लूप चालू होगा, फिर से ये होगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में अपन टोटल फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट फॉर स्पेनिंग ट्री, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, टोटल प्लस मिनिमम डिस्टेंस, तो वो वाला हमारा फाइंड होता है। और यहाँ पे अपना वाला प्रोग्राम खत्म होता है क्या, ठीक है, होता है। सर मैं इसको रन करता हूँ अभी, रन। यहाँ पे अपने को नोट्स डालने हैं, तो नोट्स कैसे डालें तो अभी देखिए, मैं आपको पहले तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रही क्या आपको, पिछला हुआ आ गया, तो मैं कोड डालता हूँ, तो मैंने कोड दिया, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अभी देखिए अपनी अब अभी समझिए, हमारा एक ये नोड है, एक सेकेंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें इन नोड की मतलब अब अभी देखिए, अभी अभी अपन है ना यहाँ पे 4 नोड डालेंगे। ओके सॉरी, आपको दिखाई नहीं आई क्या? हाँ नहीं, दिखा 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 आपको, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन यहाँ पे 4 नोड डालेंगे, हमें 4 नोड लेने हैं, तो 4 नोड मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद में हमें मैट्रिक्स डालना है, तो अभी अपन मैट्रिक्स कैसे डालेंगे, ठीक है। तो अभी अपन मैट्रिक्स कैसे डालेंगे, अभी अपन ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स अभी हमें यहाँ पे ऐसा डालना है कि देखिए, अभी मैं पहले मैट्रिक डाल लेता हूँ, फिर आपको बताऊँ कि मैंने कैसे डाला है। तो पहले अपन डालेंगे 0 10 10 टेन टेन 10 50 10 30 10 40 10 जीरो 10 20 देन अपन 30 20 0। तो अभी अपन ने देखिए, अब हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो हमने 0 रखे हैं। क्यों रखे हैं, क्योंकि
हमारा जो इलेम हमारा हमारा जो ये ग्राफ है, ये हमारे जो ये नोड है, इनके नोड पे रिकर्सिव लूप यानी कि सेल्फ लूप नहीं है। ये जो सेल्फ लूप होता है ऐसा लूप नहीं है, इसके लिए हमने ये डाले हैं। अगर ये प्रिम्स एल्गोरिदम का ये रूल है कि अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कराना है तो आपको अगर ये लूप होंगे तो आपको इनको निकालना पड़ता है, ठीक है, निकालना पड़ता है आपको ये लूप को। तो उसके बाद में अभी देखते हैं, अभी मैं इसको एंटर करता हूँ, वैल्यू आएगी अपनी वाली। आपको दिख नहीं रहा होगा, बताऊँ आपको यहाँ पे ऐसा आपको ये अभी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी अपने वाली यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ, इसमें हमारा ग्राफ प्रिंट हुआ है, सिंपली पुट हो गया है ग्राफ। उसके बाद में आया है बी मतलब V1 एंड V2, उसके बाद में मीन डिस्टेंस। तो देख देखिए V1 के नीचे है हमारा 1 1 और 3, और V2 के नीचे अपना 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो हमारा ये वाला है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक जो हमारा ग्राफ गया है, जो हमारी वर्टाइसेस गई है उसकी वैल्यू है हमारी 10, और 1 से लेकर 3 तक गई है उसकी वैल्यू है हमारी 10, और 3 से लेकर 4 तक गई है उसकी वैल्यू है हमारी 20। तो मिनिमम, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये अपना प्रिम्स एल्गोरिदम है, ये हमारा शॉर्टेस्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करता है हर नोड को विजिट कराने के लिए। तो अगर आपको प्रिम्स एल्गोरिदम का मतलब प्रिम्स की जो ये वैल्यू रहती है, अगर आपको इनको फाइंड करते आता है पेन पेपर के ऊपर, तो आप उधर फाइंड करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। इस तरीके से आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो अगे अभी तो मैं आपको एक मतलब ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अगर आपको है तो। अभी देखिए थोड़ा सा जूम कर, दिख रहा है, दिख रही, ठीक है। तो फिर देखिए अभी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपन अभी देखिए, अभी हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पे 0 10 10 और 50 है, उसके बाद में 10 40 30, ऐसा हमारा सब कुछ ग्राफ है। तो वहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीस्ट वेट निकालेंगे पूरे ग्राफ में से। तो वो क्या है, 10 है, वो क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, अगर आप इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग दे पाओगे इन इन वर्ड मतलब इन ग्राफ, ये अपना मैट्रिक्स को, अगर आप मैट्रिक्स को इंडेक्सिंग दो, वो जो जीरो के मतलब इंडेक्सिंग मालूम है ना, यहाँ पे जीरो के ऊपर 1 लिखिए, 10 के ऊपर 2 लिखिए, नेक्स्ट 10 के ऊपर 1 लिखिए, ऐसा वाला इंडेक्सिंग आपको ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ, ये आसानी रहेगी आपको भी मेरे को भी। तो 10 10 10, अपना 50 ऐसा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे है 10 10 50। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपना इंडेक्सिंग रहती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरीके के मैं इंडेक्सिंग बोल रहा था आपको वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपना हमको सबसे लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी साइड साइड में जो जो हमारा मैट्रिक्स है, वहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 10, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 10, तो हमने क्या किया, सिंपली एक वर्टेक्स लिया 1 और एक लिया 2, के बीच में हमने ड्रॉ कर दिया 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 1 और 2 मतलब यानी कि ये वाला 1 1 1 की लाइन ये वाली, और 2 की लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ इन दोनों लाइंस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक और, तो वो भी कौन सा है, 10 ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यहाँ पे 10 ही है, थर्ड 10
पोजीशन पे, 1 3 पे टेनी है। तो 1 से लेकर ले थ्री तक, 1 से लेकर थ्री तक हमारा फिर से क्या आ गया, 10 आ गया। और देखिए 1 से लेकर थ्री तक हमारा 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद में और अब अभी देखिए 1 2 3 आ गया ना, तो अभी 1 2 3 1 2 3 अभी ये लाइन में आ गई। तो ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों लाइन में से छोटा कौन सा है? तो यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना 20 है, तो 20 सबसे छोटा हुआ है, तो हम यहाँ पे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे अपन 20 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी ट्री फाइंड होती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी ट्री फाइंड होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के बाद बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।